अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं हूँ तस्लीम फातिमा, मेरे चैनल तस्लीम कॉर्नर फूड ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ टू अमेजिंग सी रेसिपी, जो है हमारी लस्सी की रेसिपी। मैं इसमें 2 गिलास के करीब मैंने दही ऐड की है। अब मैं इसमें थोड़ी सी 1/2 गिलास के करीब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। और अब हमें इसे अपनी दही को 5 मिनट तक इस तरह से चलाना है और मथना है। हमें इसे मिक्सर में नहीं मथना है, क्योंकि मिक्सर में मथने से हमारे दही का जो टेक्सचर है खराब हो जाएगा। और मैं अब इसमें यूज करूंगी 4 से 5 चम्मच के करीब मैं चीनी हमारे लस्सी को मीठा करने के लिए। ये देखिए, मैंने 1/2 कटोरी इसमें चीनी, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हमारी दही थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो थोड़ी इसमें चीनी घुलेगी, तो मैं आगे के प्रोसेस आपको बता दूं। मैं करीब इसे 5 मिनट आपको इस तरह से दही को मथना है। आपके पास अगर ब्लेंडर है तो उससे ब्लेंड कर सकते हैं अपनी दही को। तो दही को हम साइड कर देते हैं और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैं 2 चम्मच के करीब मैंने दूध लिया है। दूध को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था ताकि इसमें हमारे केसर के 4-5 धागे लिए हैं और 10 मैंने पिस्ता लिया। तो मैं सबसे पहला जो बनाऊंगी लस्सी वो केसर पिस्ता लस्सी। ये बहुत ही टेस्टी, आप अपने त्योहारों में बनाइए तो बहुत ही आपको टेस्ट देगा और बच्चों और बड़ों को काफी पसंद आने वाला है। तो हमने अपनी दही को अच्छी तरह से लस्सी को फेंट लिया है। अब मैंने जो पिस्ते और केसर को इसमें जगाया था, मैं इसमें मिक्सर ग्राइंडर में मैं अब इसे ग्राइंड कर लेती हूँ ताकि हमारे लस्सी को एक अच्छा सा कलर मिल सके। तो ये हमारा केसर पिस्ता मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। इससे आप 2 गिलास तक की लस्सी बना सकते हैं, 1 गिलास के लिए मिक्सर नहीं है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा केसर पिस्ता लस्सी बनाने के लिए मैं इसमें 2 चम्मच के करीब इसमें केसर पिस्ता डालेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा मैंने बर्फ को क्रश किया था मिक्सर में, मैं वो इसे मैं ऐड कर देती हूँ। अब हम अपने ग्लास को इस लस्सी से फिल कर देते हैं। तो यकीन मानिए गाइस, ये आपको खाने पीने में बहुत ही टेस्ट लगेगा। अब इससे हम थोड़ा पिस्ता और बादाम से गार्निश कर देते हैं। तो रेडी टू सर्व। तो दूसरी लस्सी जो मैं बनाने जा रही हूँ उसके लिए मुझे चॉकलेट चाहिए और मुझे नारियल। तो नारियल जो सूखा वाला होता है जिसे हम गरी भी कहते हैं, इसे मैंने मिक्सर जार में ब्लेंड कर दिया है। और ये चॉकलेट को मैंने क्रश कर दिया है थोड़ा सा, और मैं कटोरी में लूँगी। और ये मैंने पानी को जो गर्म किया था, खोल दिया था, इस पर मैं अपने चॉकलेट को थोड़ी देर रखूँगी जब तक हमारा चॉकलेट मेल्ट ना हो जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए हमारा चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम 1 चम्मच भर के इसमें अपना चॉकलेट का डालेंगे, ऐड करेंगे। ये देखिए, यकीन मानिए ये आपको खाने में बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। और मैं 1 चम्मच इसमें भर के नारियल जो मैंने रखा था मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके, और मैं इसमें अब थोड़ा सा बर्फ को जो मैंने क्रश किया, अब हम अपने ग्लास को इससे फिल कर देंगे लस्सी के बैटर से। तो ये देखिए, तो हम इतने बैटर से 2 ग्लास हम लस्सी बना सकते हैं और हमारी लस्सी पीने में काफ़ी टेस्टी है।
आप भी इसे बनाइए अपने होली पे रमजान में, और मैं इसे चॉकलेट से थोड़ा सा सजा देती हूँ, तो रेडी टू सर्व। तो इसी के साथ मेरे चैनल पर पहली बार आए जनाब, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें। तो अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपको जायकों में। और तो बाय बाय गाइस, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा कि ये अमेजिंग सी लस्सी की रेसिपी आपको कैसी लगी।